ताकि अच्छी फिल्म में एक इन्वॉल्वमेंट हो, हमारी हिस्सेदारी हो, हम लोग कोशिश करते हैं। आप सबके आशीर्वाद की हमें जरूरत पड़ेगी, आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। राज जी के लिए मैं दो शब्द ये बोलूंगा कि इन्होंने एक से एक सिनेमा बनाया और शायद ही कोई ऐसा स्टार हो जिन्होंने इनके साथ काम नहीं किया और हिट न दिया हो। सारे स्टार को हिट का मजा चखाया इन्होंने, और एक एक नहीं सबके नाम जिनकी बड़ी बड़ी हिट है उसमें राज जी का हमेशा योगदान। मेरे करियर में तो इनका सबसे ज्यादा अवार्ड मुझे लगता है अगर 15 अवार्ड मिला होगा तो 13 तो इन्हीं की फिल्मों से मुझे मिला। और ऑलवेज जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहा हूँ और जब भी कुछ अलग रोल करना चाहा हूँ, और मैंने भैया से बोला भैया मैं इस तरह करना चाहता हूँ तो करो ना, अगली फिल्म में करो ना। मैं भैया प्लीज़ आप यहाँ पर आए हैं, आप हमारे सीनियर ही नहीं, आप हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं। मैं चाहूँगा तो शब्द मंच पर आकर प्लीज़ बोले। नमस्कार। चूँकि फिल्म में एक होती है सोनिया की शिकायत जायज़ है और उसके हकदार बहुत सारे होते हैं, और हम लोगों को भी लगता है कि अब जो सब्जेक्ट बना है उसके अंदर किरदार क्या अच्छा लगेगा नहीं लगेगा उस तरह से लोगों का चयन होता है। इसका ये मतलब नहीं जो काम नहीं कर पाए मानो दो चार फिल्मों में उनसे कोई नाता टूट गया है या वो बहुत दूर हो गए हैं। ज़िंदगी रहे सबकी, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और फिल्में तो बनती रहेंगी। कि पूरा जो परिवार है सरना का ये हिस्सा है इस रस्सी का, और काम चलता रहेगा। बस शो जो है वो गो ऑन रहना चाहिए, लोग अच्छे रहना चाहिए। मनोज टाइगर का ही टाइटल जो है लागल रहा बताशा, आप ही का लागल रहा। हाँ मैं वही बोलने वाला था कि पहली बार इन्होंने जब एक्टिंग किया था मेरे डायरेक्शन में तो वो फिल्म ही थी लागल रहा राजा जी, लागल रहा ए राजा जी। और ये और दिनेश जी ने मतलब उसमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था, लोगों का केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। और फिल्म सिल्वर जुबली हुई थी, वो पिक्चर मुझे लग रहा है 10-11 बार नॉर्म जैसे सिनेमा हॉल में लगी है। रिपीट अगर कोई फिल्म आज भी लगती रहती है तो उनमें से वो एक फिल्म है। बहुत खूबसूरत फिल्म थी जिससे बहुत बड़ा स्टारडम बहुत सबको मिला था, हमको भी मिला था, इवन दिनेश जी का बहुत बड़ा प्राइज उससे सेटल हुआ था तमाम लोगों का। और मुझे लगता है हाँ विराज भट्ट आए थे उसमें, और बस यही दुआ करता हूँ कि ये भी जो लागन रहा है ये उसी की श्रृंखला में उसको और आगे बढ़ाए। मैं दो लोगों के बारे में और बोलना चाहूँगा, मेरे छोटे भाई हैं और काम हमेशा बड़े करते हैं और इनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आता है, और सिनेमा से निकल कर पीछे भी मेरी बहुत मदद करते हैं। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम में होता हूँ तो मैं इन्हीं को फ़ोन करता हूँ, बहुत लोगों को फोन करता हूँ, बहुत सारे लोग मदद करते हैं, लेकिन सब ये बहुत कम समय में इन्होंने मेरे दिल में एक ऐसी जगह बनाई है। मैं यश मिश्रा भैया प्लीज़ आपको मन बना चाहिए। मनोज भैया के साथ मैं इच्छाधारी फिल्म के प्रमोशन में जब बिहार के दौरे पर गया था उस समय इन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी, सत्यम शिवम सुंदरम। तीन बंदों की ऐसी खूबसूरत सी कहानी सुनाई थी। उस समय मुझे लगा था कि नहीं यार, इनके अंदर एक अच्छा लेखक छुपा हुआ है। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वो खुद ब खुद रास्ता बनाती है, उसे खुद ब खुद रास्ता मिलता है। और अगर मनोज जी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि वो इस फिल्म के लेखक हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनके कलमकारी में उतनी ताकत है जो इस पर्दे पर उनका नाम अंकित है। बहुत ही अच्छी पहल है। एक सबसे खूबसूरत सी बात यह है, नेट नहीं चल रहा था, मैं थोड़ा सर्च कर रहा था वो नाम। बॉलीवुड में वरुण धवन को उनके भाई ने डायरेक्ट किया था भीषण फिल्म में। यहाँ भी एक चैलेंज है, एक भाई को डायरेक्ट करने का। आप सबकी इस फिल्म को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी टीम को शुभकामनाएं। फिल्म बने, फिल्म अच्छे से चले। हम लोगों के निर्माता लोगों में सिर्फ आप बहुत अच्छे हैं, इन्होंने आपका इंट्रोडक्शन कराया। हम लोग फिल्म बनाने में 3 महीने लगा देते हैं, फिल्म बनाने में नहीं, फिल्म को शूटिंग करने में हम जितने जल्दीबाजी करते हैं
उससे ज़्यादा जल्दीबाजी रिलीजिंग में कर देते हैं। सिनेमा देखिए किसी की भी हो, दर्शक हर तरीके की फिल्म देखना चाहता है। आपकी फिल्म एक डिफरेंट फिल्म आ रही है, अगर इसे एक प्लानिंग के साथ किया जाए तो शायद यहाँ से एक शुरुआत हो कि हम लोग एक नई पहल की तरफ बढ़े कि कॉमेडियन को लेकर के एक अलग विषय पे एक अलग तरीके की फिल्म बने। शुभकामनाएं पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज जी। जी 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 वही वही सब्जेक्ट। आप सभी लोगों को थैंक्स। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस परिवार में का मुखिया बनने का कोशिश किया। और यहाँ पर हमारे कुछ एक ऐसे हमारे बड़े भाई आए हुए हैं जिन्होंने मुझे सबसे पहले हीरो बनाया, लीड हीरो, बतासा चाचा आदर्श जैन साहब। प्लीज भैया मंच पर आइए। थैंक यू सर। बधाई हो पूरी टीम को और बतासा चाचा के, बतासा चाचा तो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और ये हमेशा हर जगह हर मुकाम ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, यही शुभकामना है। थैंक यू बालेश्वर भैया, करण पांडे जी और पवन भैया आनंद। मैं यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं किसका नाम बोलूँ किसका भूल जाऊँ, अगर किसी का नाम निकल जाए तो अपराधी बन जाऊंगा मैं। सब हर प्रणाम बोल दीजिए। हाँ सबको मैं, आप यहाँ आए हैं ये बहुत बहुत मतलब दिल से मैं सच में थैंक्स बोल रहा हूँ। मेरे बचपन का दोस्त हमारे साथ पढ़ता भाई मेरा राजेश सिंह, ये गांव से आए हुए हैं, आलोक इस फिल्म में गाना गा रहे हैं और मेरा सबसे छोटा भाई ये धीरेन्द्र, नाम भी भूल जा रहा हूँ भैया पार, वो कुलदीप जी भोल हमारे भोजपुरी पंचायत मैगजीन वाले, इसको छाप दीजिएगा भैया बढ़िया से सबका इंटरव्यू। तो अभी क्या पार्टी वार्टी शुरू करते हैं? अब तो इंटरव्यू चलेगा अपना जो होगा और कॉमेडी। हाँ एक बात और बता, आम्रपाली जी को हम लोग बोले कल ही, परसों हमने साइन किया उनको और उन्होंने कहा इतनी जल्दी आप बता रहे हैं मुझे, क्योंकि स्क्रिप्ट उन्होंने बहुत पहले सुना था, उन्होंने कहा था मुझे करना है। और मंजुल वहाँ से फोन कर रहे थे कोई एक्टर है नहीं, आप लोगों का टिकट हो गया आपको आना है। आम्रपाली नहीं जाना चाह रही थी लेकिन उनकी उनको मजबूरी में जाना पड़ा और उनके बिहाफ पे हमारे सनी जी आए हुए हैं। सनी जी आप आइए एक मिनट, नहीं आ पाई आम्रपाली जी यहाँ पर उन्होंने वीडियो जो भेजा था लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी वीडियो दिखाने का यहाँ, इसलिए आ जाइए सर। दिनेश जी और इरफान खान साहब और आम्रपाली जी का काम सनी जी ही देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू पंडित जी। अब आपने तो लाल पीला हरा सबको इकट्ठा कर दिया है। पीला जो हमेशा लाल रहता है आज हमारे सामने है। पहले संजय पांडे जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए मेरे भैया के लिए। थैंक यू, आप आए पहाड़ आई, सच में आप आए ना मजा आ गया। आपको देखा आंखें इतने बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी हंसी आई है, इतने बड़े हीरो हमारे मिश्रा जी, यश भैया सब, आपको देखता हूँ तो सर सती बहुत चलन होती है। आप सूरत क्यों है भाई जना इस बात, पापा ने मेहनत बहुत की। नहीं बोल रहे हैं हमारे टाइम में कल भी हो रहा है। वाह वाह बहुत दिन बाद राजेश भैया आपको सलाम करते हैं।
एज एन एक्टर तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि वो एज एन एक्टर अपने आप को तो बहुत बार साबित कर चुके हैं। हाँ, एक सारे कॉमेडियंस लेकर के एक फिल्म बन रही है, अभी भोजपुरी में बन रही है, जो कि शायद भोजपुरी के लिए एक पहल है। ये पहली बार कोई ऐसा कदम उठा रहा है, तो वो चैलेंज हो सकता है कि दर्शक कितना इसको अप्रिसिएट करते हैं, कितना इसको पसंद करते हैं, ये चैलेंज हो सकता है। अदरवाइज मनोज टाइगर के लिए तो कोई चैलेंज नहीं है। तो मनोज और रामपाली के अलावा इसमें संजय जी हैं, के गोस्वामी जी हैं, और आनंद मोहन जी हैं, और बहुत सारे जितने कॉमेडियंस, बड़े कॉमेडियंस हैं इंडस्ट्री के, वो सारे कॉमेडियंस इस फिल्म में काम कर रहे हैं। तो क्या फिल्म का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन देना है, सिर्फ कॉमेडी है और सामाजिक प्रोग्राम? नहीं, हमारा एक्चुअली इस फिल्म के साथ हम लोग एक कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं। मैसेज ये है कि जो फिल्म की शुरुआत जहाँ से हुई है, एक कलाकार जहाँ से शुरुआत करता है, हमारे यहाँ पहले एक विधा थी नौटंकी, जो नौटंकी होती थी। नौटंकी आज तकरीबन ख़त्म होने के कगार पे है, कहीं कोई नौटंकी देखता नहीं, एकदम ख़त्म होने के कगार पे है। और आज चाहे जितने बड़े कलाकार हैं, चाहे वो आप जो इंडस्ट्री में आए हैं, उनका कभी न कभी स्कूलिंग वही रहा है। सबका प्रेरणा स्रोत जहाँ से चालू हुआ है, वो नौटंकी से ही हुआ है। तो हम लोग इस फिल्म के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप लोग जो हमारी विधा है, जो हमारी पहचान है, जहाँ से हम लोग शुरुआत किए हैं, जहाँ से जर्नी चालू हुई है, उस विधा को ख़त्म न होने दें, उसको ज़िंदा रखें। मेरा नाम संजीव कुमार कुशवाहा है, और वी क्लासिक मूवी प्रोडक्शन को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यहाँ पे इस फिल्म के बारे में मनोज जी ने हमें कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया। कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल नया और डिफरेंट लगा। और रही बात, ये प्रोडक्शन हमारा एक बिजनेस नहीं है, मैं एज ए शौक से इस काम को करना चाहता हूँ, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और हमने इस काम को शुरुआत की। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे कमाने के लिए आना है, यहाँ पे हमने एक नई चीज़ को पहल करके लाया जा रहा है, साफ सुथरी मूवी बने, अश्लीलता रहित रहे, और हमने प्रयास किया है कि अपने लोगों के बीच में एक नई चीज़ को दिया जाए लोगों से। जिस तरह से इसको सोचा गया है, जैसे कि आलोक जी ने इसके बारे में डायरेक्ट करने जो प्लानिंग उन्होंने किया हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अलग होगा और दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि हमें अच्छा लगा। मनोज जी की एक तो ही कॉमेडी मूवी है, और हमारे देखने से भोजपुरी में बहुत अच्छे कॉमेडी हैं मनोज जी, और इनके कॉमेडी हीरो जो हैं पूरी ग्रुप है, तो सारे ग्रुप को लेकर बनाया गया, इसलिए मनोज जी को लीड रोल दिया गया यहाँ पे। बिल्कुल अलग तो है ही, और सही मायने में बिल्कुल सही फिल्म है, क्योंकि कॉमेडियन की जब भी इस बात पर अगर हम चर्चा करें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉमेडियन कौन है, तो पहला नाम उभर करके सामने आता है वो मनोज टाइगर जी का है। और बहुत कम ऐसा होता है कि एक इंसान की पहचान उसके वास्तविक नाम से ना होकर के उसके कैरेक्टर से हिट कर जाता है, जैसे मनोज सिंह टाइगर। आज अगर बिहार में आप चले जाएं, मैं उनके साथ घुमा हुआ हूं, तो बिहार में मुझे लगता है कि 100 दर्शकों में 10 लोगों को ही पता होगा कि मनोज टाइगर नाम है, ना तो सब लोग अरे बतासवा। बतासा एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है हमारी इंडस्ट्री का, जो हिट कैरेक्टर है, और उनके ऊपर अगर फिल्म बन रही है तो लागल रहा बतासा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छे कैरेक्टर के साथ बहुत खूबसूरत सी, बहुत खूबसूरत टाइटल है, और मेरी बेस्ट विशेज है उनके साथ में कि ये फिल्म बड़ी हिट हो, अच्छी बने। मनोज को लेकर मैंने, मुझे लगता है 24-25 पिक्चर बनाई है मैंने, और वो तो बहुत अच्छे अभिनय करते हैं, बहुत बढ़िया
परफॉर्मर हैं। कॉमेडी मेरी फिल्मों में, जिस उन्होंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे फिल्मों में उनको अवार्ड भी मिला है मेरी फिल्मों से, नागिन थे और तमाम साथ सहेलियाँ और तमाम पिक्चरों में। ये जो बताशा है ये एक बहुत बड़ी फिल्म का टाइटल था जिसके अंदर उनके करेक्टर का नाम ही बताशा था, निरा हुआ रिक्शा वाला, जिसमें टाइगर ने किया था। और बताशा चाचा वो इतना हिट हुआ कि बच्चों को, अब जो बच्चे उस टाइम बताशा चाचा चाचा करते थे बड़े हो गए बड़े, तो उनके लिए वो एक चेहरा जो है मनोज टाइगर का वो बहुत प्रभावित करता है और बहुत अट्रैक्शन वाला है। और ये फिल्म जो है बताशा चाचा लागल है, बताशा चाचा जो है लागल है बताशा, तो ये बताशा फिर से मिठास देगा। और मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी क्योंकि बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। मनोज टाइगर राइटर बहुत अच्छे हैं, अभिनेता बहुत अच्छे हैं। अगर किसी एक्टर को किसी को प्रिपेयर करना हो, उसको टीच करना हो, तो इन द मीन टाइम टीचर भी बहुत अच्छे हैं और वो सोचते हैं, मज़ा लेते हैं सिनेमा को। आई थिंक ये जो सिनेमा है इट विल क्रिएट अ मैजिक, ये मैजिक क्रिएट कर। फिल्में तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जिन फिल्मों से मुझे बड़ी खुशी हो रही है, एक हमारी फिल्म आ रही है मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू, दो युवा स्टार एक साथ नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू, जिसमें प्रदीप पांडे चिंटू और यश कुमार एक साथ आ रहे हैं। उस फिल्म से मुझे लगता है कि सिनेमा का एक और दृष्टिकोण चेंज होगा, क्योंकि वो रूटीन फिल्मों से अलग हट करके फिल्म है जो युवा वर्ग को भी प्रभावित करेगा, मध्यम वर्गीय परिवार को भी प्रभावित करेगा, और हाई एजुकेशन जिन लोगों के पास है जो ये सोचते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में सिर्फ मसाला फिल्में बनती हैं, वो मसाला है लेकिन स्टैंडर्ड लेवल का मसाला फिल्म है वो। और उसके बाद फिर नागराज आ रही है मेरी, जो इस साल बहुत जल्दी रिलीज़ होगी, और एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म मेरी फ्लोर पे जाने वाली है, टाइटल अभी फाइनल नहीं है, लेकिन पहली बार मैं एक पर्दे के ऊपर एक मासूम सी बच्ची के पिता का रोल करने वाला हूँ। और वो पिता जवानी से बुढ़ापे तक का सफ़र एक बेटी के लिए किस तरीके का एक बाप सेक्रीफाई करता है, वो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो रोल मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है, कि मैं अपने आप को, यश कुमार ने अभी तक एक्शन एक्शन किया है, यश कुमार किस तरीके से एक संवेदनशील बाप के किरदार में किस तरीके से वो रोल प्ले करेगा, और यश कुमार बूढ़ा कैसा लगेगा पर्दे के ऊपर, उन सब चीज़ों पर थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। एंड उम्मीद करता हूँ कि वो फिल्म बहुत कमाल की बनेगी और उसको 2018 छठ पर्व पर मैं उत्तर प्रदेश और बिहार रिलीज करूँ। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से बन जाए, उसके बाद उस पर भी तो ये आप देखेंगे खुद ही अलग आपको लगेगा। पाकिस्तान के ऊपर यूँ तो फिल्में बहुत बनी हैं, लेकिन जिन दो फिल्मों ने इतिहास रचा है सही मायने में, दो तीन फिल्मों में, पटना से पाकिस्तान थी, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी पांडे जी ने, उसी का पार्ट टू बनाया, तो मुझे लगता है पाकिस्तान को कोई कितना भी बना ले फ़ायदा दो ही को होना है। बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत बड़े बड़े कलाकार फिर से इस पर चल रही है, भव्य सेटअप वाली फिल्म, थैंक यू। कॉमेडी फ्लेवर की है बट वो एक पॉजिटिव करेक्टर है, विलन नहीं है उसमें। जैसा मनोज जी ने मुझे बताया कि हम ऐसा हीरो तो नहीं बोल सकते, हीरो बोल के खुद को क्या खुश करें, हाँ बट पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव करेक्टर है, आप हीरो भी कह सकते हैं। डेफिनेटली नाम की तरह फिल्म का संगीत भी एकदम अलग करने की कोशिश करेंगे, कॉमेडी मस्ती फुल इन्जॉयमेंट डेफिनेटली कुछ नया होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट जिस तरह से मुझे बताया गया है वो तो धमाल करने वाला है, बहुत मज़ा आएगा मुझे लगता है। ये मनोज की ड्रीम प्रोजेक्ट है और सटायर है, कुल मिला के जो थोड़ा बहुत मुझे बताया उसके हिसाब से, मैं बाप हूँ उसका और थोड़ा सा कमी है, फनी है, बाकी अच्छी प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, कई बार दिमाग से मिस हो जाता है। अभी जो फिल्म में फिलहाल करने जा रहा हूँ अभी एक फिल्म बन रही है मेरी गबरू, उसमें महेश पांडे डायरेक्टर हैं, उसमें ओम जी का म्यूजिक है, वो फिल्म फ्लोर पे है। प्लस अभी करके आया हूँ मैं एक फिल्म खेसारी जी के साथ, दबंग सरकार, उसके अलावा अभी जस्ट दिनेश यादव जी के साथ फिल्म की है मैंने अभी खुद्दार, और अभी कल करने जा रहा हूँ निरहुआ हिंदुस्तानी 3,
2 बन चुकी है, 3 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, बॉर्डर कंप्लीट की मैंने अभी संतोष मिश्रा जी के डायरेक्शन में, तो इस तरीके से हैं सारी फिल्में लाइनअप। बच्चा क्या ऐसे तो आसमान अब इनसे पूछना देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं एक ही बात बोलूँगा, वो खास जो नाम देख रहे हैं ना आप बतासा, सबसे बड़ा खास तो वही है बतासा, कि एक बतासा की सिक्वल आ रही है, तो जो बतासा से जिसने मनोज जी को इतनी बड़ी प्रसिद्धि दी तो आज उसकी सिक्वल आ रही है, तो नो डाउट सिक्वल तो सुपर हिट होगी। उसके बाद इस बार तो उन्होंने पूरी कॉमेडियन हीरोज को एक फ्लोर पे उतार दिया है, तो आप सोच लीजिए क्या होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगी हमेशा कॉमेडी जो अलग अलग फिल्मों में करते थे, इसमें सारे कॉमेडियन जितने भी हैं सब एक साथ करने वाले हैं, तो आप मान के चलिए के जी हैं, मनोज जी हैं, तो मतलब कितने अच्छे कॉमेडियन हैं सोच सकते हैं आप, तो ये सारे इसमें सब साथ में ही है सब, तो मतलब पूरी फिल्म हमारी ये कॉमेडी बन रही है। करण भाई की बात से मैं सहमत हूँ, मनोज जी बतासा हैं और बतासा से काफ़ी फेमस हैं, और ये उनका एक सराहनीय कदम है और ये एक नई शुरुआत है भोजपुरी सिनेमा में, और आज तक हीरो विलेन कॉमेडियन सब अलग अलग दिखते थे, यहाँ सारे कॉमेडियन दिखेंगे, हीरो भी कॉमेडियन होगा, विलेन भी कॉमेडियन होगा, हर कैरेक्टर कॉमेडियन होगा, तो सोचिए 3 घंटे में क्या धमाल होने वाला है, धमाल ही धमाल होगा। ये अगर एक बोला जाए तो ये मनोज जी का नेचर है कि आज जैसे मैं आप लोगों के सामने हूँ, तो मेरी जब मैंने सेकेंड पारी शुरुआत की तो उसमें बहुत बड़ा हाथ मनोज जी का है, मनोज जी ने ही मुझे इंसिस्ट करके कि भैया नहीं मेरी फिल्म है लेके आजा बैंड बाजा, क्रिस एग्जिम की थी जो जिसके प्रोड्यूसर थी ख्याति जी, तो उनके पास लेके गए, बोले कि नहीं आप ही मेन विलन करेंगे, इंडस्ट्री में वापस ज़बरदस्ती मुझे लेके आए, आज ऐसा हो गया है कि जाने का दिल ही नहीं करता है, तो मनोज जी का नेचर है, जैसे आज मैंने देखा ये स्टेज पे उन्होंने अपना एक प्ले ग्रुप पंचम रंग बनाया जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ छोटा सा, बाकी कई लोग मेंबर हैं और सारे मेंबर्स को उठा के उन्होंने मंच पे खड़ा किया और आज उन्हीं को लेके एक फिल्म बना रहे हैं, ये बहुत कम लोग करते हैं। थैंक यू। आप लोगों ने पोस्टर को ठीक से नहीं देखा है, ध्यान से देखिए, मनोज टाइगर जी की आंखों में हम सब दिख रहे हैं। मनोज टाइगर जी की अकेले फिल्म नहीं है, हम सब कॉमेडियंस की है, जितने भी भोजपुरी के कॉमेडियंस हैं सभी के सभी उस इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं, लेकिन हाँ कोई ना कोई एक सूत्रधार होता है जिनका जिनके बारे में लोग मनोज आप जैसे आपने कहा कि मनोज जी की फिल्म, तो इस तरह से उनकी बात आती है, उनका पोस्टर में फ़ोटो आता है, हम सबका फ़ोटो लगने वाला है यहाँ। आर्टिस्ट तो अच्छे हैं, पूरी पूरा पूरा बिहार ने जाना है, पूरा यूपी बिहार जानता है कि इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, साथ ही साथ वो बहुत अच्छे इंसान हैं और एक नया इतिहास, पहले भी उन्होंने कई बार इतिहास रचा है और एक नया इतिहास रचने वाले हैं मनोज टाइगर जी विथ ऑल कॉमेडियंस द कॉमेडीज हीरो। मैंने मनोज जी के साथ पहले भी काम किया हुआ है और अवॉर्ड शो भी मैंने किया है साथ में उनके, के जी भी थे, हम सब साथ में बहुत मस्ती की थी और ये उनका सपना था कि कॉमेडीज हीरो आए फिल्म में और उनका सपना साकार होने जा रहा है। लगल रहा बताशा तो सब ही लोग देखेंगे क्या है लगल रहा बताशा में, जैसे हम रूपाली जी भी हैं और मनोज जी ने सबका सपना पूरा किया, हम सब चाहते थे कि कॉमेडीज हीरो भी एक साथ रहे फिल्म में और वो होने जा रहा है। इसके अलावा मैं एक दो और हिंदी फिल्में कर रहा हूँ, सीरियल चल रहा है बिग मैजिक पर रुद्र के रक्षक, एक साल से चल रहा है और एक खेसारी जी के साथ एक फिल्म आ रही है और एक कल मैं जा रहा हूँ हिंदी फिल्म की शूटिंग के लिए दमन में, जिसमें अंजलि जी भी साथ में हैं, सब काम कर रहे हैं। और इस फिल्म की खासियत है कि ये एक इतिहास है, हिस्ट्री, इससे इतिहास बनने वाला है, जिस तरह हिंदी फिल्मों में महमूद साहब ने इतिहास रचा था, कुंवारा बाप और न जाने बहुत सारी फिल्में उन दिनों हीरो से ज़्यादा चलती थी महमूद साहब की, फिर बाद में जॉनी लीवर साहब आए तो हीरो साल में 2 फिल्में करते थे, जॉनी लीवर साहब साल में 10-12 फिल्में करते थे, तो इसी तरह से मनोज टाइगर जी और हम लोग हैं, हम सब
एक्चुअल देखा जाए तो लोग हम लोगों को आंकते कम है, फिल्म इंडस्ट्री वाले या भोजपुरी इंडस्ट्री वाले हम लोगों को आंकते कम है, लेकिन हमें कम मत आंको, वी आर द रियल हीरोज। हम लोग एक्चुअल रियल हीरोज हैं, जिसे हम लोगों को लोगों ने आंखें बंद करके देखा है, छोटी आंखों से देखा है। ब्राइट करो, वाइड लेंस लगाओ, दुनिया बहुत बड़ी है। कॉमेडीज हीरो लिखने जा रहे हैं अब इतिहास, तो देखिए जल्दी ये फिल्म, लगल रहा बताशा। थैंक यू, थैंक यू बहुत ज़्यादा। जिसके साथ मैं फिल्म पहले देखा करता था, साथ में काम किया, आज वो एक संपूर्ण रूप से हीरो बने, उस फिल्म का हिस्सा बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई मुझे। तो क्या करते हैं, हास्य करना कितना मुश्किल काम होता है किसी का? भैया हंसाना जीवन में सबका है, हंसने रोने, लेकिन जो मैं हंसाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हंसाकर परिवार को पालना, देश को पालना, समाज को पालना, एक क्या बोला जाए जिम्मेदारी हुई होती है, और उसको अच्छा ही कहा जाएगा। और इस फिल्म में के अलावा कोई फिल्म में काम कर रहा है? इस फिल्म के अलावा मैं फिल्म कर रहा हूँ नाग नाइन की प्रेम कहानी, जिला चंपारण बाद ऐसे चंपारण नाम है फिल्म का, और आगे भी फिल्में हैं सब। 13 अप्रैल को मेरा फिल्म आ रहा है माई रे माई वे लड़की चाहिए। वी क्लासिक जो ये फिल्म बना रही है, वी क्लासिक मूवीज प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के ये कार्यकर्ता लोग हैं, जिनमें कि डायरेक्टर राधे श्याम जी और ये जितेंद्र गुप्ता जी हैं, आदिल जी हैं, और ये नरेंद्र जी। सो प्लीज़ आप लोग अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं। सर जी, वी क्लासिक कंपनी जो खोली है, काफ़ी अलग हर किस्म बना रहे हैं आप, कॉमेडी फिल्म में क्या कह रहे थे, कितने उत्साहित फिल्म को लेकर? सर पहली बात तो हम लोग तो रूरल एरिया से, गाँव से हैं, और भोजपुरी फिल्म बन रही है, और खासकर कॉमेडी है, और सभी कॉमेडी एक्टर हैं, तो इसको लेकर हम लोग पूरे कंपनी में बहुत ही उत्साहित है लोग, बहुत ही ज़बरदस्त प्रमोशन भी हो रहा है, और जहाँ तक मेरा सोच है और मैं मानता हूँ, तो आज तक जो भी भोजपुरी फिल्म आया है सबसे टॉप में इसको जाए। सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, और जिसकी वजह से कहानी अच्छी लगी, और मनोज भैया का साथ मिला, एक गार्जियन के तौर पर, गॉडफादर के तौर पर जो है, और काफ़ी मतलब एक्साइटेड थे हम लोग इस काम को करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को। सर इस फिल्म में सबसे बड़ी भोजपुरी के कॉमेडियन एक्टर मनोज जी है, सर थोड़ा सा रेगुलर से अलग हट के ही होगा जो भी फिल्में आएंगी। जी एक्चुअली देखिए, वी क्लासिक ग्रुप जो है ना, वो बहुत बड़ी एक कंपनी है, जो कि रियल इस्टेट कंपनी है, जो कि काफ़ी शहरों में, काफ़ी राज्य में इसका विस्तार है। ये कंपनी से मैं इस फिल्म में एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, दिलीप पांडे मेरा नाम है, उस फिल्म में मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि फिल्म इसलिए बेहतर साबित होगी, क्योंकि इसके जो एक्टर हैं सारे गिने चुने एक्टर हैं, और वो सारे स्टार हैं जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। एंजॉय में थोड़ा सा मैंने खलल डाला, हमारे सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री की शान आन बान संभावना जी आई है, एक जोरदार ताली प्लीज। और हमारे इस सिनेमा में संभावना जी काम करने के लिए हाँ बोली, मेरा सिनेमा बड़ा हो गया, एक जोरदार ताली। आलोक ये हमारे छोटे भाई हैं और इस सिनेमा के डायरेक्टर हैं। संजीव जी एक सेकंड ले आ जाइए, ये मेरे छोटे भाई और भोजपुरी इंडस्ट्री के अपकमिंग स्टार। एक प्रोग्राम आता था महुआ पर, डांस संग्राम, उसके विजेता रहे हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, अविनाश दुबे भैया के लिए एक जोरदार ताली लीजिए। संजीव जी आप संभावना जी हैं, ये हमारे सिनेमा के प्रोड्यूसर हैं, वी क्लासिक ग्रुप के। मैं चाहूँगा कि संभावना जी प्लीज आप दो शब्द बोलें। आज मनोज की फिल्म का मुहूर्त हुआ है, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, और मनोज के लिए मैं कुछ
चीज़ें जो मेरे लिए स्पेशल रही हैं इतनी एंटायर जर्नी में, मेरी जो मेरे लिए मनोज की चीज़ें बहुत स्पेशल रही हैं उसके बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। इस इंडस्ट्री में आप बहुत लोगों के साथ काम करते हो लेकिन दोस्त आपके नहीं बनते हैं, कहते ना आप सबके साथ काम करते हो, तो मैं कहूँगी कि अगर वाकई ही कोई ऐसा इंसान है जिसने मेरे साथ दिल से दोस्ती निभाई है तो निरहुआ यहाँ पे नहीं है। निरहुआ एक ऐसा नाम है जो मैं कहूँगी कि वाकई वो दिल से यारों का यार है, और दूसरा ये शख्स है जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहा है। हमने इंडस्ट्री में हम सभी लोग उतार चढ़ाव देखते हैं, एकदम से जुप करके ऊपर जाते हैं, फिर आपको पैर पकड़ के ऐसे नीचे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज़रूर करना चाहूँगी जिन्होंने टांग पकड़ के मुझे नीचे भी खींचने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैं उन लोगों का भी धन्यवाद कैसे ना करूं जिन्होंने मुझे हमेशा हाथ पकड़ के ऊपर उठाया है, और वो मनोज टाइगर है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो आपके बुरा वक्त तो नहीं कहूँगी लेकिन जब आपको काम की तंगी होती है, जब आपको कुछ अच्छा करने की वो चाह होती है, उस समय आपका जो लोग साथ देते हैं ना वो ज़िंदगी भर आपके साथ होते हैं। तो मेरा मनोज के साथ कुछ ऐसा रिश्ता रहा है कि मिले तो हम काम पे थे लेकिन आज ऐसा हो गया है कि मनोज के बिना मैं तो नहीं रह सकती हूँ। मतलब ऐसा है कि कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे मुझे डिस्कशन करना होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत है, किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी ऐसे इंसान की, किसी अपने की ज़रूरत है, वहाँ पे मनोज हमेशा खड़ा है मेरे साथ और मैं मनोज के लिए, ये मनोज अच्छी तरह जानता है क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे इतनी सच्ची और मुंह पे बोल देने वाली कोई दिखी नहीं है। क्या है बोलना है मुंह पे, पीछे कुछ नहीं। क्या है मेरे बारे में बहुत सारी बातें लोग अटकलें लगा लेते हैं, लोग एक ज़ुबान खुलती है तो उसके साथ साथ जो वो बोलती है पीछे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अनाप शराब बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में बोली जाती हैं, काम में बहुत महंगी हूँ ये तो सबसे पहली बात बोली जाती है, ऐसा प्रॉब्लम दूंगी या काम नहीं करना चाहती हूँ भोजपुरी में या बहुत ज़्यादा पैसे लेती हूँ, लेकिन मनोज जानता है कि मैं कितना काम करना चाहती हूँ या कितने लोगों के लिए मैंने ऐसे ही काम भी कर दिया है, लेकिन वो लोग उस चीज़ को मानना नहीं चाहते। तो मेरे लिए बहुत सारी इस इंडस्ट्री में अलग अलग बातें हैं जो कि मैं कहूँगी कि 80% झूठ है, बिल्कुल झूठ है, और जो 20% लोग जानते हैं तो 20% वो मैं कहूँगी उसका एक्चुअल 100% मनोज टाइगर जानता है मेरे बारे में। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि दोस्तों के दोस्त, और मैं तो कितने सिनेमा को जानता हूँ, आगे आदमी ने बोला कितना पैसा लेंगे, बोलती पैसा मैं नहीं मांगता, मनोज आया ना साथ पैसा नहीं चाहिए, अभी पैसा मैं बोल नहीं सकती, मैं क्या बोलूँ, और काम मैं इतना जानता हूँ कि 18 सालों में और 2003 से हूँ, 2003 से 2018 में मुझे नहीं लगता कि संभावना जी जैसा कोई ना। थैंक यू सो मच बहुत बड़ी बात है। मैंने राघव के साथ भी काम किया, इनकी फिल्म अभी आ रही है हल्फा मचा के गए, और इनका जो इंट्रोडक्शन सॉन्ग है अभी इनके साथ मैंने शूट किया है, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ये बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत आगे आएगा, एंड आई रियली होप एंड विश एंड आई प्रे कि इसकी फिल्म अच्छी जाए, और ये जो करना चाहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, नए कलाकारों की बहुत ज़रूरत है, एक अच्छे नए फेस की बहुत ज़रूरत है, तो एक डेफिनेटली मैं राघव कहूँगी, और दूसरा जो शायद आप लोग नहीं जानते कि अविनाश जो यहाँ बैठा है, मैं इसलिए नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि अविनाश मेरे हस्बैंड हैं और मैं इसलिए अविनाश की तारीफ कर रही हूँ, ये जेन्युइनली तारीफ के कहते ना डिजर्व करते हैं, काबिल हैं, ये मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, इनका काम इनके लिए बोलेगा इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं इतना सिर्फ कहूँगा, मैंने 18 साल का मंच किया है, भगवान ने मुझे अभिनेताओं की बड़ी गजब की परख दी है, इनका एक सिनेमा मैंने देखा, उसके पहले मेरे को जानता था ठीक है अविनाश संभाला जी के हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, रचनिया एक इनकी फिल्म आने वाली है, देखने के बाद उस रात तो मैं सो नहीं पाया था, वो इनका तांडव मेरे दिमाग में, ऐसा कमाल का अभिनय। और आज एक और चीज़ बता रहा हूँ, वी क्लासिक ग्रुप की बहुत जल्द एक फिल्म में एज ए हीरो
हमारे भाई के डायरेक्शन में ये काम साइन होने वाले हैं और काम कर रहे हैं। ओह थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी आई थिंक इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले बस लास्टली मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जो भी इनके ड्रीम्स हैं, इनके ब्रदर्स यहाँ पे हैं, प्रोड्यूसर यहाँ पे हैं, इनका जो भी इनकी इच्छाएं हैं, जो इनका वेंचर एक स्टार्ट हुआ है वो जिस बड़े लेवल पे स्टार्टिंग तो करी है, लेकिन मैं कहती हूँ ना दिन दुगनी रात चौगनी इनकी तरक्की हो और जो ये सोच के आए हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है जो भोजपुरी को आगे लेकर आए, ना कि पीछे खींचे, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। सो मेरे तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को बधाई एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मनोज जी को काफ़ी लंबे टाइम से नहीं जानता हूँ, मुझे 3-4 साल हुए इनको अच्छे से जानते हुए, और मेरे को जो पहली इनसे मुलाकात हुई वो यही था कि इनकी एक बहुत अच्छी इमेज एक अभिनेता की, बहुत कमाल के अभिनेता की। मैं यही कहूँगा भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ स्टार्स हैं और कुछ अभिनेता हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो स्टार अभिनेता हैं और उनमें से एक मनोज टाइगर। और इनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है, इनको अभिनय की इतनी छोटी छोटी बारीकियां पता हैं, समझ में आता है कि इन्होंने अपनी नींव इतनी मजबूत बनाई है कि इनको कोई भी कैरेक्टर दे दीजिए, आप कोई भी किरदार दे दीजिए, उसको जिस तरह से तराशते हैं, मतलब आपको इनको ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा। हर फिल्म में आप देखेंगे कई अभिनेता सेम लगते हैं, लेकिन ये हर किरदार में अलग लगते हैं। और इनका जो बतासा जो फेमस हुआ है, बतासा चाचा, उसी चीज़ को टाइटल को लेके फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, और ऐसे मुहूर्त भी बहुत कम होते हैं। तो इस मुहूर्त की जो बात है और ऊपर से टाइटल बतासा, तो मुझे लगता है मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और अभी से ये दिख रहा है कि ये कितना आगे इसमें जो है, मुझे 500 वाट का बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, मनोज जी को मैं 8-10 साल से जानता हूँ, बहुत छोटा था मैं, तब से इनको देखता आ रहा हूँ, अब इनसे फिल्म करने का मौका मिला, इनसे बहुत कुछ सीखने मिला। और रही बात मामला जी की, जो उन्होंने बोला कि इनकी जो अफवाह है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनके साथ 2 सॉन्ग करे हैं, शी इज़ वेरी सपोर्टिव, शी इज़ वेरी साल में इतना सपोर्टिव एक्ट्रेस। अरे लेकिन कोई मानता नहीं है ना, उसका क्या करे, ये तो तुम बोल रहे हो, बाकी लोगों से बोलो। मनोज जी लव योर बतासा, लगे रहो बतासा, ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, बस आशीर्वाद सामने मीडिया में 5 तारीख को आप उनको आमंत्रण भी दे दीजिए। 5 अगस्त हेलो साउंड बोल दीजिए सर, साउंड कर दीजिए। हेलो 5 अगस्त को हम लोग देवरिया में एक और फिर से बड़ा शो करने जा रहे हैं, उस शो में आज ही से संभावना जी को हमने इनवाइट कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये उसी शो के बारे में बता रहे थे। अच्छा, अभी देवरिया में तो नहीं कराया था। पहले तो सारे भोजपुरी दर्शक को महेश आचार्य का प्यार भरा नमस्कार, और आज हम एक फिल्म के मुहूर्त पे आए हैं जिसका नाम है लागल रह बताशा। और मनोज टाइगर जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है कि सारे भोजपुरिया कॉमेडियंस को लेकर उन्हें एक नई फिल्म जो बनाने की पहल किया उन्होंने, लागल रह बताशा। तो हमारा भोजपुरी के जितने कॉमेडियंस हैं सब उनके साथ हैं। इतना शॉर्ट में मैंने बहुत बातें बोल दी क्या? मनोज भैया के फिल्म की आज मुहूर्त है, लागल रहा बतासा, और मनोज भैया बतासा से बहुत फेमस हुए और बच्चा बच्चा इनको उस वक्त नाम से जानता है, पूरी हमारी इंडस्ट्री से लेके पूरा हमारा जो दर्शक है सारे लोग बतासा के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही ये लोकलिटी बहुत बड़ी है बतासा, और साथ में अम्रपाली जी हैं हमारे भोजपुरी की आन बान शान। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फिल्म बहुत बेहतरीन बनेगी, अच्छी बनेगी, हमारा प्रे है, लेस है, तो फिल्म अच्छी बने, सुपर डुपर हिट हो। बड़ा खुशी हुआ, आज खुशी का मौका है, नवरात्रि में फिल्म का मुहूर्त हुई, बहुत अच्छी बात। आपने क्या कर रहे हैं सर, आगे चलिए
सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आप जिस प्रोग्राम में आए हैं आज मनोज जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, सारे कॉमेडियंस को लेके एक फिल्म बनाना की कोशिश की है हम लोगों ने। जैसे कि आप लोगों ने महमूद साहब को देखा है, उससे पहले और भी बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में लोग हैं जो सारे कॉमेडियंस को लेके फिल्म बनाने का प्लानिंग किए हैं। एक शुरुआत है मनोज जी के माध्यम से कि बहुत सारे कॉमेडियन, जितने कॉमेडियंस हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन सब को लेके एक फिल्म प्लान किया उन्होंने, और मेरे हिस्से में जो भी होगा मैं ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगा। जस्ट फिल्म आने वाले इश्क वाले बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है, लगातार जान की बाजी है, जी अब ना तोरे बिना है, हिंदी में होटल टॉस है, बिछड़न है, सब अच्छी फिल्में आ रही हैं। आप लोग जरूर देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा, जैसे हमेशा देते आए हैं। हमारे भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम है, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। माइक पर माइक जरा, थैंक भाई, बहुत बेहतरीन रोल है। हम लोगों को जिसने सम्मान दिलाया श्री विनोद गुप्ता जी यहाँ पर आए हैं, जोरदार ताली भैया। हाँ सबसे पहले मैं लागल रहा बताशा जी की टीम को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक कॉमेडी फिल्म बनाने का प्रयास किया है बड़ा सुंदर सा। इसके लिए मनोज भाई को और उनके पूरी टीम को, डायरेक्टर आलोक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, और यहाँ पर उपस्थित सभी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार, टेक्नीशियन, निर्माता, निर्देशक सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मनोज टाइगर जी हमेशा कुछ हट के काम करते हैं, तो पहली बार एक लीड रोल में कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं और उनकी हीरोइन भी बहुत बेहतरीन कलाकार हैं अम्रपाली जी। मैं समझता हूं कि एक टर्निंग पॉइंट आना चाहिए इस फिल्म से। 12 साल हो गए, 13वां साल होने वाला है, नवंबर में होता है। उस वक्त हमारी इंडस्ट्री बड़ी बेहतरीन इंडस्ट्री थी, लेकिन एक चर्चित इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन अवार्ड ने बहुत कहीं न कहीं हमारे कलाकारों को, टेक्नीशियन को एक सम्मान दिलाने में राष्ट्रीय स्तर पे भूमिका अदा की, ऐसा मैं समझता हूँ। जो देश में या पूरी दुनिया में एक अवार्ड का सिस्टम है, जो अवार्ड होता है, करीब करीब हम रीजनल स्तर पर उस बेहतरीन प्रयास तो करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कुछ नहीं है कि अब क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। हमने फिल्म बनाई थी, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को 50 साल हो गया था, तो कुछ लोगों ने कहा तो हमने पीवा बड़ा सतावला फिल्म बनाई थी, 2012 में रिलीज हुई थी जी। आप सभी को धन्यवाद।